भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। जी हाँ, बहुत ही उम्दा रिश्ता है पवन सिंह का अपनी भाभी के साथ। जो देवर भाभी वाला रिश्ता होता है वो तो है ही, लेकिन पवन सिंह की जो भाभी पूनम है, उनकी ये जो तस्वीर आपके समक्ष आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे जो चल रही है, वो रेड साड़ी में पहनी हुई औरत, वो बहुत ही कम मीडिया में आई हैं, बहुत ही कम, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट आप जिसे कहेंगे। तकरीबन हमें लग रहा है कि ये हमारा ही फर्स्ट चैनल होगा जो आपको पवन सिंह की भाभी की फ़ोटो दिखा रहा है। तो ये उनकी पवन सिंह की भाभी हैं पूनम। इनसे पवन सिंह का एक और रिश्ता है, पवन सिंह की पत्नी नीलम इनकी छोटी बहन थी, यानी पूनम की छोटी बहन नीलम थी, और पवन की जो पत्नी है थी नीलम, उनकी बड़ी बहन है पूनम, यानी कि पूनम की छोटी बहन से ही पवन की शादी हुई थी। नीलम का पवन सिंह की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, भले ही आज नीलम उनकी लाइफ में नहीं है, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें पवन सिंह उन्हें लेकर बाद में सीरियस हुए, और कहा जाता है कि काफ़ी एक तरह से एक बदलाव जो पवन सिंह में आया सिंसियरिटी को लेकर, एक सीरियसनेस जो आई वो नीलम के मौत के बाद ही आई। आज पवन सिंह जिस घर में रहते हैं, आरा का जो नया घर है उनका, जो उन्होंने सिटी में बनवा कर रखा है, उसका नाम उन्होंने नीलम ही रखा है, नीलम निवास ही रखा है। आपको ये भी बता दें, जब पहली बार नीलम को लेकर मुंबई आए थे पवन सिंह, और उसके महज 5 से 6 दिनों बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो उस वक्त नीलम के साथ मुंबई में उनके भैया भाभी, यानी कि पवन सिंह के भैया भाभी और नीलम की बड़ी बहन पूनम उनके साथ रहा करती थी। लेकिन कमरे कैसे होते हैं मुंबई में कि अलग अलग सेपरेट सेपरेट होते हैं, तो सेपरेट कमरे में थी, अंदर से कुंडी लगी हुई थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और नीलम के शव को देखने वाली पहली जो चश्मदीद थी वो पूनम ही थी। आपको ये सारी बातें, आप ये सोच रहे होंगे कि हम कहीं मनगढ़ंत तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मनगढ़ंत नहीं है ये सब कुछ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी नीलम के केस की, तो वो सब कुछ इसमें दर्ज है, तो उसके हिसाब से ये रिपोर्ट हमने बनाई है। साथ ही पूनम ने जिस तरह से अपने परिवार का साथ दिया है वो काबिले तारीफ़ है। उस वक्त जब पवन बुरी तरह से फंसते नज़र आ रहे थे, इस तरह के आरोप लग रहे थे पवन सिंह को नीलम को लेकर कि इस आत्महत्या के पीछे पवन सिंह का हाथ है, तब एक अकेली वही महिला थी जिन्होंने अपने घर के मोर्चे को बहुत बेहतरीन ढंग से संभाला था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, एक लंबी पूछताछ हुई पवन के परिवार से। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर कॉमन मैन हो, जब इस तरह की घटना दुर्घटना परिवार में हो जाती है तो हजारों सवाल उठते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन पूनम ने उन सब का खंडन किया, जो भी आरोप प्रत्यारोप पवन पर लग रहे थे का खंडन किया, और यही उनकी एक तरह की निष्ठा भी है। ऐसे कहा जाए कि आज उनके परिवार में बहुत ही मान सम्मान है, बहुत ही एक अहम दर्जा देते हैं पवन सिंह अपनी लाइफ में उनको। साथ ही नीलम के छोटे भाई भी पवन के साथ ही रहते हैं, या यूँ कह लें कि पवन सिंह के साले साहब पवन के साथ ही रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी जो बिजनेस है एक तरह से देखा जाए, ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, वो उनके साले साहब देखते हैं। पवन सिंह के साले जो हैं, उनके हर एक इंटरटेनमेंट की जो जितनी जुड़ी जानकारियां होती हैं, जो भी पवन सिंह कर रहे हैं, उन सब पर उनकी नज़र होती है, और उनके कामों की वो अच्छी खासी देख रेख करते हैं। तो आपको बता दें, वीडियो का बनाने का हमारा ये मकसद नहीं था कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे, लेकिन पवन सिंह की भाभी को लोग बहुत कम ही देखे हैं मीडिया में, और जब ऐसे ओकेजन पे कि पवन सिंह के घर बर्थडे था, और ऐसे ओकेजन पर हमें ये चीज़ ये फ़ोटो हाथ लगी है, तो हमने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ इसे शेयर किया जाए और ये बताया जाए कि हाँ, खुद पवन सिंह की लाइफ में पवन सिंह के परिवार का कितना बड़ा योगदान है। आज पवन सिंह बन पाए हैं तो इसके पीछे उनके परिवार ने कितना त्याग किया है, कितना बलिदान किया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप को हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।